आज हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 3 आर्बिट्रेशन में से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का टॉपिक करेंगे। ये ट्रिब्यूनल्स हम चैप्टर 1 में एक छोटे से नोट में पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने टीटी, एसएटी, सीएटी, एसएटी इसके बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। उसी को हम फर्दर अब इसके अंदर पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड आर्टिकल 323A एंड 323B टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के साथ ही हमारे जो है देश के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का सेटअप स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर किसी खास टॉपिक के ऊपर अगर कोई लड़ाई है, कोई मुकदमा है, तो आप नॉर्मल कोर्ट्स में ना जाके ये स्पेशलाइज ट्रिब्यूनल्स में जा सकते हैं, ताकि ये जो केस है ये फटाफट सॉल्व हो सके। तो इसके अंदर जो है ये पार्लियामेंट ने सेटअप करे हैं ट्रिब्यूनल्स, तो ट्रिब्यूनल्स आर बीइंग सेटअप बाय पार्लियामेंट। आर्टिकल 323A, 323B आपका अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसमें बहुत तरीके के मुकदमे किए जा सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट, आपको कोई भी इसमें 6-7 लिखी हुई हैं, आपको कोई भी 4 के नाम पता होने चाहिए, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम्पल में कि किस तरीके के मैटर्स जो है ट्रिब्यूनल्स में जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में जा सकते हैं। सबसे पहले डिस्प्यूट पर्टेनिंग टू सर्विस कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, उनके लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए गए कि उनके ऊपर कोई केस हुआ। देन कलेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ टैक्स, टैक्सेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए आपका ITAT होता है, इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल। देन आपके इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट होता है, उसके ट्रिब्यूनल्स अलग हैं। मैटर्स कंसर्निंग लैंड रिफॉर्म, उसके ट्रिब्यूनल्स अलग हैं। इलेक्शन डिस्प्यूट के लिए सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, उसके लिए ट्रिब्यूनल्स अलग हैं। प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टफ्स और अदर एसेंशियल गुड्स, इन सब मैटर्स के लिए भी अलग से ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट को ये क्वेश्चन आएगी, ये लाइन, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट अशर्ड द एरा ऑफ ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ इंडियन जुडिशरी, ये आपका बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, और जिसके अंदर ये पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय अशर्ड एरा ऑफ ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ इंडियन जुडिशरी। इसका मतलब ये है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद से हिंदुस्तान में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेटअप कर दिए गए थे, जो लोगों के केसेस को फटाफट सॉल्व कर रहा है, इससे लोगों को बहुत हेल्प मिली। द इनैक्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 took the constitutional objective further and set up central administrative tribunal and state administrative tribunal. इसके अंदर दो चीजें सेटअप हुई, सबसे पहले सेंट्रल एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सेंट्रल के अंदर अगेन वही लोग जाएंगे, उन्हीं लोगों के केसेस जाएंगे जो केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, जो करंटली मोदी की गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, सो वो जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे। देन अगर कोई स्टेट के लिए काम कर रहा है, कोई स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर है एंड उसके ऊपर कोई केस होना है, तो SAT के अंडर जाएंगे। CAT जो है वो सेटअप पर्सुएंट टू द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर इन 1985 के एक्ट के अकॉर्डिंगली वो सेटअप हुआ था। द ट्रिब्यूनल एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सर्विस मैटर ऑफ द एम्प्लॉइज कवर्ड बाय इट, द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल लाइज बिफोर द डिविजन बेंच ऑफ द कंसर्नड हाई कोर्ट। अब इस लाइन का मतलब समझना कि अगर आपका ट्रिब्यूनल के अंदर कोई भी डिस्कशन हुई, कोई भी आपका जजमेंट पास हुआ एंड आप उसके लिए आगे फर्दर अपील करना चाहते हो, यू आर नॉट हैप्पी विद द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का डिसीजन, CAT का डिसीजन या SAT के डिसीजन से अगर आप खुश नहीं हो, तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। ये वन मार्कर में याद रखना है, आ जाएगा। यू आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन गिवन बाय SAT और CAT, ठीक है, तो आप कहाँ अपील करोगे उसके अगेंस्ट? आप हाई कोर्ट में अपील करोगे, डायरेक्ट सुप्रीम में नहीं जाओगे या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी नहीं जाओगे। The tribunals are procedurally flexible and its flexibility increases their efficiency. For example, the Administrative Tribunal Act 1985 allow the aggrieved person to appear directly before the tribunal, जिसके ऊपर केस है वो डायरेक्ट कोर्ट के आगे आता है। The objective of the tribunals are now objectives of tribunal, मैंने पहले भी करवाया था, दोबारा करवा रही हूँ। दो फायदे होते हैं सबसे ज़्यादा, एक तो काम जल्दी जल्दी होता है, efficiency बढ़ती है, plus हमारे जो routine courts हैं, हमारे High Court, Supreme Court, District Court है, उनके ऊपर से बर्डन कम होता है। तो ये दो बेनिफिट्स आपको याद रखने हैं। क्या दो बेनिफिट्स हैं? सबसे पहले स्पीडी और इनएक्सपेंसिव जुडिशरी मिलती है, फैसला जल्दी जल्दी होता है और बर्डन कम हो जाता है। सिंस गवर्नमेंट इज अ मेजर लिटिगेंट इन द कोर्ट्स एंड गवर्नमेंट रिलेटेड लिटिगेशन हैज इंक्रीज इन डिले एंड पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन, सच ट्रिब्यूनल्स ओवर द पास्ट टू डिकेड्स हैव सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड
एंड सप्लीमेंटिंग द रोल्स ऑफ कोर्ट इन एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स. नाउ ये जो कोर्ट्स होते हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये नॉर्मल कोर्ट्स का काम बर्डन जो है वो लाइट कर देते हैं. बट एक सवाल आता है, क्या ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जो हमारी जुडिशरी, स्ट्रीमलाइन जुडिशरी है, हमारी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ये उससे ऊपर है, उससे नीचे है या उससे बराबर है? तो कई बार ये सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर एक इंसान सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में ही जा रहा है तो क्या हाई कोर्ट की वैल्यू कम हो गई, क्या सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू कम हो गई? तो इसका आंसर होता है नहीं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की वैल्यू कम नहीं हुई है. उसके लिए आप फर्दर जो आंसर लिखेंगे उसके लिए केस भी है. द ट्रिब्यूनल्स हाउएवर आर नॉट मेंट टू रिप्लेस द कोर्ट. दिस हैज बीन एक्सप्लेन बाय 7 जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन एल चंद्र कुमार केस. आपको ये केस याद रखना है, एल चंद्र कुमार केस, वेयर इट वॉज हेल्ड द ट्रिब्यूनल्स वर नॉट टेक अवे द एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स. एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो कोर्ट्स की पावर को सरपास नहीं करेंगे. एंड द डिसीजन कुड बी स्क्रूटनाइज बाय द डिविजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट. एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के डिसीजन है, हाई कोर्ट का डिविजन बेंच उन्हें चेक कर सकता है, उनके ऊपर क्वेश्चनिंग कर सकता है. तो हाई कोर्ट ऊपर ही है ट्रिब्यूनल के, उससे नीचे नहीं है. तो हमेशा आपसे आ जाएगा क्वेश्चन, बोर्ड्स में आया हुआ है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट को या कोर्ट्स को, हमारे जो नॉर्मल कोर्ट्स हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं? द आंसर इज नो, वो रिप्लेस नहीं करते, वो सिर्फ सपोर्ट करते हैं. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के दिए हुए डिसीजन को हाई कोर्ट का डिविजन बेंच चेक कर सकता है, और उसके लिए केस है एल चंद्र कुमार केस. उसके अंदर 7 जजेस का बेंच बैठा था सुप्रीम कोर्ट के. वन मे ऑल्सो नोट दैट दीज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टेट ट्रिब्यूनल्स आर नॉट ओरिजिनल इन्वेंशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम. ये ओवर द टाइम अमेंडमेंट के साथ आया है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआती टाइम से नहीं लिखा गया था. इट इज नॉट द ओरिजिनल पार्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन. Such tribunals are now well established as a member in the member countries of European Union and United States. So India का ये system जो है European Union and United States में भी follow हो रहा है, जहाँ पे administrative tribunals set up हो रहे हैं. Any doubt? Box है आपका एक page 95 पे, आपका कौन सा होगा मुझे नहीं पता, मेरी book में NCERT 95 page पे did you know करके एक box है. उसका फर्स्ट है कि टुडे सीएटी है 17 रेगुलर बेंचेस. तो सीएटी 17 जगहों पे सेटअप है, 15 ऑफ विच ऑपरेट एट द प्रिंसिपल सीट्स ऑफ हाई कोर्ट एंड रिमेनिंग टू एट जयपुर एंड लखनऊ. सो 15 तो वहां पर है जहाँ पे ऑलरेडी हाई कोर्ट्स भी इस्टेब्लिश है, 15 उन स्टेट्स के अंदर है. उसके अलावा दो सिटीज हैं जयपुर एंड लखनऊ, वहां पे भी आपका सीएटी सेटअप है. द ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ऑफ, नाउ कंपोजिशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड मेंबर्स. The members of the tribunal are drawn from both judicial as well as administrative streams. तो इसका मतलब यह है कि जो administrative tribunal के जो judges चुने जाते हैं, members चुने जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो law background के हों या judicial background के हों, वो administrative सरकारी background के या फिर अपनी field के काफ़ी महारथी लोगों को भी वो choose कर सकते हैं. So as to give the tribunal the benefit of expertise in both legal and administrative spheres. Administration के लोगों को भी लिया जाता है और legal team को भी लिया जाता है, ताकि एक्सपीरियंस, नॉलेज हर तरीके की फील्ड का हमें मिल सके. नेक्स्ट हमारा आता है मीडिएशन. मीडिएशन क्या है कि हमने आर्बिट्रेशन पढ़ा था, आर्बिट्रेशन के अंदर स्पेसिफिकली जो मामले आ रहे थे वो जो थे कंपनी रिलेटेड थे, वो थे फॉर्मल सेटअप, ठीक है, जहाँ पे कंपनीज आपस में लड़ रही हैं, अपनी सीक्रेसी मेंटेन करना चाहती हैं, और वो एक ऐसा ऑर्डर चाहती हैं जिस जो उनके ऊपर बाइंडिंग हो, जो उन्हें मानना पड़े. ना कुछ चीज़ें, कुछ रिश्ते, कुछ रिलेशनशिप्स आपके इनफॉर्मल होते हैं, लाइक आपके पड़ोसियों के साथ, हस्बैंड एंड वाइफ के, जहाँ पे अगर झगड़ा हो जाए तो आपको एडवाइस चाहिए. यू डोंट वांट कि ऐसा कोई डिसीजन आ जाए जो हम पे थोप दिया जाए. नहीं, आप थोपा थाप ही नहीं चाहते हो, आप एक एडवाइस चाहते हो, जिसको आपका मन करे तो आप मानो, नहीं मन करे तो मत मानो, ठीक है. तो उस चीज़ को मीडिएशन कहते हैं. मीडिएशन इज़ नॉट वेरी बाइंडिंग ऑन पीपल. It's more of less formality in nature. It's more flexible than arbitration. तो arbitration से easy form, arbitration से आपका जो है less strict form जो है, less formal form जो है, वो है mediation. जहाँ पे आपके पड़ोसियों के matters, रिश्तेदारों के matters, family के matters, आप जो है यहाँ पे solve कर सकते हो instead of going to the normal courts. इसको हम further read करते हैं. Mediation and conciliation meanings and types. अभिदीप, ठीक है. सो इसमें एक एक लाइन, एक एक वर्ड के ऊपर हम फोकस करेंगे मीडिएशन की.
मीडिएशन इज अ मेथड ऑफ एडीआर इन विच पार्टी इज अपॉइंट अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी, ठीक है, बायस नहीं होती, न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है, हु फैसिलिटेट्स द मीडिएशन प्रोसेस, फैसिलिटेट करती है, दो पार्टी जिनका झगड़ा है उनके बीच में बातचीत को फैसिलिटेट कराती है कि आप दोनों आइए सामने बैठिए बात करिए क्या मुद्दा है। द मीडिएशन प्रोसेस इन ऑर्डर टू असिस्ट द पार्टी इन अचीविंग एन, क्या हासिल करना चाहते हैं वो, एक्सेप्टेबल वॉलेंट्री एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट चाहते हैं वो, ऐसा डिसीशन चाहते हैं वो जिसको वो वॉलेंटरीली एक्सेप्ट भी कर सकें एंड अपनी मर्जी से उनके ऊपर थोपा ना जाए। मीडिएशन इज प्रिमाइज ऑन द वॉलेंटरी विल, वॉलेंटरी विल का मतलब है लोग अपनी इच्छा अनुसार जाना चाहते हैं, इसके लिए लोग अपनी इच्छा से ही मीडिएशन करना चाहते हैं, लोग अपनी इच्छा से ही वो कोर्ट में ना जाके अपना मामला बाहर की बाहर सुलझाना चाहते हैं। एंड इस फ्लेक्सिबल एंड इनफॉर्मल टेक्निक ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये इनफॉर्मल होती है, इसके अंदर ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा पेपर वर्क ये सब नहीं करना होता है एंड फ्लेक्सिबल होती है, आप अपनी जगह अपना टाइम डिसाइड कर सकते हैं। मीडिएशन जो है नेगोशिएशन से कंपैरेटिवली फॉर्मल होता है, नेगोशिएशन हम आगे देखेंगे, उससे कंपैरेटिवली फॉर्मल होता है बट आर्बिट्रेशन से थोड़ा चिल्ड आउट होता है। तो आपका फर्स्ट डिफरेंस ये है कि मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा फॉर्मल है मीडिएशन से, डिफरेंस आ सकता है इसलिए बता रही हूँ, मीडिएशन इज लेस फॉर्मल देन आर्बिट्रेशन। सेकेंड थिंग, लिटिगेशन होता है नॉर्मल केस, ठीक है, जो आप नॉर्मल कोर्ट्स में जा रहे हो। सेकेंड है आपका सिमिलैरिटी बिटवीन मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन, कि मीडिएशन और आर्बिट्रेशन दोनों इनएक्सपेंसिव होते हैं, दोनों फास्ट होते हैं और दोनों कॉन्फिडेंशियल होते हैं, ठीक है, तो तीन दोनों में पैसा खर्च ज़्यादा नहीं होता है, दोनों में फटाफट डिसीशन आता है, दोनों में सीक्रेसी मेंटेन होती है, जिनके बीच का प्रॉब्लम है उन्हीं के बीच में रहेगा, सारी जनता के आगे गीत नहीं गाए जाएंगे। फर्दर डिफरेंस मीडिएशन और आर्बिट्रेशन का, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अवार्ड रेंडर, उसका डिसीशन क्या आ रहा है उसके ऊपर बहुत मैटर करता है। तो जो मीडिएशन का डिसीशन आता है, जजमेंट आता है, वो उतना बाइंडिंग नहीं होता जितना आर्बिट्रल अवार्ड बाइंडिंग होता है। तो आर्बिट्रेशन का डिसीशन जिसको हम आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं, इट हैज़ अ बाइंडिंग नेचर, बट आपका जो है मीडिएशन है उसका बाइंडिंग नेचर नहीं होता है। हाउएवर ये नॉन बाइंडिंग होता है, बट अगर दोनों पार्टीज इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, वॉलेंटरली इसको कॉन्ट्रैक्ट में लाने को तैयार हो जाती हैं कि हम इसे तैयार हैं, तो आप इसको बाइंडिंग बना सकते हो। सो आपको पेपर में अगर आ जाए कि राम और श्याम दो पड़ोसी हैं, उनका झगड़ा हो गया है एंड वो जो है अपनी इच्छा से वॉलेंटरली अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो बताइए कौन सी एडीआर टेक्निक उनके लिए बेस्ट रहेगी जिसमें वो बाइंडिंग डिसीशन नहीं चाहते, ठीक है, तो उनके लिए मीडिएशन। और वहीं पे वो बोल देते कि वो जो है राम और श्याम का झगड़ा है एंड वो अपना प्रॉब्लम एडीआर टेक्निक से करना चाहते हैं, बट उनका जो डिसीशन आए वो उनको बाइंडिंग चाहिए, जो भी डिसीशन है उनके ऊपर बाइंडिंग हो, तो वो आर्बिट्रेशन हो जाता है, ठीक है, तो वो आर्बिट्रल अवार्ड हो जाएगा, क्योंकि जो भी डिसीशन है उनको चाहिए बस हम पे बाइंडिंग रहे हो। तो जब आप बाइंडिंग रिजल्ट चाहते हो दैट इज आर्बिट्रेशन, बट जब आप वॉलेंटरीली फ्लेक्सिबल आंसर्स चाहते हो और फ्लेक्सिबल डिसीशन चाहते हो जिसको आप मर्जी है आप एक्सेप्ट करो या ना करो, तो वो मीडिएशन होता है। एनी डाउट सो फार? कई बार कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, तो अब दो सिनारियो है, हस्बैंड वाइफ अपनी इच्छा से अपना एडिया टेक्निक के लिए जाना चाहते हैं बट रिजल्ट शुड बी नॉन बाइंडिंग, तो बताओ किसके लिए जाएंगे, तो आप लिखोगे मीडिएशन। वहीं पे अगर सेकेंड सिनारियो आ जाता है कि दोनों जो है अपना मामला सुलझाना चाहते हैं एडिया टेक्निक से, बट जो भी डिसीशन आए वो उनके ऊपर बाइंडिंग चाहते हो कि जो भी हो फाइनल हो, इससे आगे कुछ ना हो, तो वो आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे। ठीक है, पेपर में आपको आइडेंटिफाई करने के लिए इस तरह से भी आ सकता है कि दो लोगों का झगड़ा है, वो वॉलेंटरली अपना जो है प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, उसके लिए वो न्यूट्रल थर्ड पार्टी फैसिलिटेटर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, जो इनफॉर्मल टेक्निक द्वारा, जो काफी इनफॉर्मल है एंड उसका जो डिसीशन आएगा वो नॉन बाइंडिंग आएगा, ठीक है, तो बताओ वो कौन सी एडीआर टेक्निक की बात कर रहे हैं। तो भी ये सारे वर्ड्स को आइडेंटिफाई करके, खास करके फैसिलिटेटर वर्ड को आइडेंटिफाई करके आप मीडिएशन देंगे। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मीडिएशन, मीडिएशन की कैटेगरीज, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, दो ज्यादा कुछ नहीं आए यहाँ से। टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ मीडिएशन आप पढ़ेंगे जरूर, इसको अपनी लैंग्वेज में भी याद करें तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ कीवर्ड्स अपने माइंड में रखने हैं। पहला होता है इवैल्यूएटिव मीडिएशन,
तो इवैल्यूएटिव मीडिएशन के अंदर दोनों पार्टीज पहले अपना पूरा पूरा केस सामने रखती है, मीडिएटर जो होता है उसको बोलती है दोनों पार्टीज कि अब हमारा डिसीजन दो, हमारा क्या होना चाहिए। तो मीडिएटर दोनों साइड की बातें सुनता है, दोनों साइड के प्लस और माइनस पॉइंट्स को काउंट करता है एंड उसके हिसाब से जो है वो एक रास्ता बताता है कि आप दोनों के बीच में इस तरह से सेटलमेंट हो जाए तो अच्छा है, अगर आप कोर्ट गए तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो मीडिएटर का क्या काम होता है, सब चीज़ों का इवैल्यूएशन करना, उसे समझना कि इसके फायदे में क्या क्या चीज़ें जा रही हैं और इसके नुकसान में क्या क्या चीज़ें जा रही हैं इस केस में, और दूसरी पार्टी के फायदे में क्या क्या जा रहा है और क्या क्या नुकसान जा रहा है, फिर उनको एक पॉसिबल सोल्यूशन ऑफर करना कि आप ऐसे कर लीजिए ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज अगर आप कोर्ट गए तो आपको ये प्रॉब्लम आ जाएगी, तो अच्छा है कोर्ट ना जाओ और ऐसे ही मामला सुलझा लो। सो दैट इज इवैल्यूएटिव मीडिएशन, इवैल्यूएट करना, समझना। उसके बाद हमारा होता है फैसिलिटेटिव मीडिएशन। बताओ किसकी बारी है, गुनगुन? फैसिलिटेटिव, फैसिलिटेटर का काम करना, फैसिलिटेटिव मीडिएशन करने में मीडिएटर का क्या काम होता है, जो बीच का जो आपका मीडिएटर होता है उसका क्या काम होता है, वो खुद से कोई पॉसिबल आउटकम नहीं बताता, वो खुद से कोई आंसर नहीं देता, वो कहते हैं आप बताइए आपको क्या लगता है, आप बोलिए, आप तो दोनों जो पार्टीज होती है जिनका डिस्प्यूट होता है उनको आपस में बात करवाता है, आपकी साइड से आप बोलिए, अब आप बताइए, अब आप बताइए, तो दोनों के बीच का एक जैसे जैसे बोलते हैं ना कि रेफरी बनता है वो वाला काम करता है, वो खुद से कोई सोल्यूशन नहीं देगा, दोनों पार्टीज को ही आपस में बात करवाने में करेगा ताकि पार्टीज ही अपना डिसीजन खुद निकाल के दे सके, वो सिर्फ बीच का कन्वेनर का काम करता है कि दोनों पार्टीज की जगह एक जगह पर इकट्ठा करता है, दोनों पार्टीज को एक दूसरे के सामने अपने व्यू पॉइंट्स रखने में हेल्प करता है। तो फैसिलिटेटिव मीडिएशन के अंदर मीडिएटर जो है किसी तरीके का इवैल्यूएशन नहीं करेगा, किसी तरीके का आंसर नहीं देगा, वो सिर्फ दोनों पार्टीज को सामने बिठा के बात करवाएगा। इतना क्लियर है? तो ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन इज अ वेरी स्मार्ट प्रोसेस टेकन बाय द मीडिएटर, वो अपना दिमाग लगाता है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का फायदा उठाते हुए पार्टीज के मुंह से ही उनका जवाब निकलवाता है, उनका जो है फैसला निकलवाता है। तो एक पार्टी से पूछेगा अच्छा आपको क्या लगता है ये सारा जो प्रॉब्लम है आपके हिसाब से क्या सलूशन होगा, तो पार्टी सर्टन सर्टन सलूशन बताएगी कि मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो उसके बाद वो बोलेगा अच्छा इसमें अगर ये चीज़ हो गई तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ऐसे होगा तो क्या आपको प्रॉब्लम होगी, या ऐसे हो गया तो फिर आगे कैसे होगा उसके बारे में आपने सोचा है, तो फिर वो दूसरी पार्टी के पास जाएगा कि आप बताओ आपको क्या डिसीजन लग रहा है। तो ऐसे दोनों पार्टी से जो है क्वेश्चन कर करके पार्टीज के मुंह से ही एक फाइनल आंसर निकलवाएगा, उनके आगे उनके प्रोस कॉन्स बताता चला जाएगा कि ये फायदा अच्छा ये नुकसान है, उसके आगे क्या होगा, फिर क्या होना चाहिए। तो पार्टीज ही अपने आप पॉसिबल सॉल्यूशंस पे आती हैं, अपने ही केस में वो ट्रांसफॉर्म होती हुई अपने आप ही वो सॉल्यूशन की तरफ भी बढ़ जाती हैं। इसमें भी आपका जो मीडिएटर है वो खुद से आंसर नहीं दे रहा है, वो आंसर निकलवा रहा है दोनों पार्टीज के मुंह से, वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है उन्हीं के प्रॉब्लम्स को, उन्हीं के जो मुद्दे हैं उनके जो डिस्कशंस हैं उनको जो है लड़ाई से वो सोल्यूशन की तरफ लेके ट्रांसफर करता है। सो दैट इज एन इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन पार्ट टेकन अप बाय द मीडिएटर, उसको ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन कहते हैं, कि ट्रांसफॉर्म कर देना लड़ाई करते करते बंदे को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दो कि वही सोल्यूशन आगे दे रहा हूँ। सो मीडिएशन विद आर्बिट्रेशन के अंदर जो है जब मामला मीडिएशन द्वारा नहीं सॉल्व हो रहा हो, जब आपको लगता है कि लोग पार्टी आपका किसी भी डिसीजन पे नहीं आ रही हैं, तो मीडिएटर जो है आर्बिटर बन जाता है और वो जो है फिर बाइंडिंग डिसीजन देता है। ये आपके सिविल मैटर्स के अंदर ज़्यादा होता है, ये मैच करता है प्ली बार्गेनिंग से, और जो कन्फ्यूजन जुडिशियल प्रोसीजर का मतलब जो हमने इंक्विजिटोरियल पढ़ा था जहाँ पे जज भी जो है सवाल जवाब कर रहा होता है, तो इसके अंदर जो मीडिएटर होता है वो दोनों पार्टी से सवाल जवाब कर रहा होता है, तो इसके अंदर वो चीज़ मैच करती है। देन मीडिएशन और आर्बिट्रेशन जो है दो इट्स अ गुड थिंग, बट इसके कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। हम हमेशा ये मानते हैं कि जो मीडिएटर है सबसे पहले तो वो न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है, इस केस में जब वो दोनों पार्टीज का खुद ही डिसीजन देने पे आ जाएगा तो वो न्यूट्रल नहीं रहेगा, वो किसी ना किसी की तरफ थोड़ा सा बायस हो जाएगा, सवाल जवाब करने पर उसकी कहीं ना कहीं पर टिल्टेशन एक तरफ ज़्यादा होगी, कोई इसको एक पार्टी ज़्यादा बेटर लग रही होगी, तो वो न्यूट्रल नहीं रह पाएगा। दूसरी चीज़ उसके अंदर जो हमने हमेशा ये देखा है जो फैसिलिटेटर होता है जो मीडिएटर होता है वो अपनी चीज थोपता नहीं है, कोर्सिव नहीं होता, दबाव नहीं बनाता है किसी चीज का, बट जब आप उसे आर्बिट्रेटर का रोल भी देते हो आर्बिटर बना देते हो तो वो क्या करता है, वो थोड़ा दबाव बनाना शुरू करता है पार्टीज का। तो इसका आपको फर्स्ट पैराग्राफ मीडिएशन विद आर्बिट्रेशन वो अच्छे से याद होना चाहिए, नेक्स्ट तो अगर पैराग्राफ याद नहीं भी हो तो चलता है,
कोई आपसे इसका प्रॉब्लम साइड इफेक्ट नहीं पूछने वाला, बस वो टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन पूछेंगे। लास्ट आपका होता है ऑनलाइन मीडिएशन। जैसे अभी हमारी ऑनलाइन क्लास बैठी है, ड्यू टू क्लास हो रही है, क्योंकि हमारे डिस्टेंस का, टाइम का, इन चीज़ों का बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर दो लोगों का झगड़ा है और वो अपना झगड़ा जो है वॉलंटारिली सॉल्व करना चाहते हैं नॉन बाइंडिंग मैनर में, तो वो ऑनलाइन मीडिएशन कर सकते हैं, जिसके अंदर मीडिएटर कहीं बैठा होगा, आपका एक पार्टी कहीं और बैठी होगी, दूसरी पार्टी कहीं और बैठी होगी, वो अपना टाइम फिक्स कर लेंगे और ऑनलाइन आके वो अपने सारे मैटर को रिजॉल्व करेंगे ड्यू टू ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, डिसेबिलिटी और बैरियर इन डायरेक्ट मीटिंग। तो ये सब कारण की वजह से आप ऑनलाइन मीडिएशन करते हो, जो अभी भी हो रही है, ठीक है। ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है तो लोग नहीं निकल रहे हैं, तो वो अपने प्रॉब्लम्स को ऑनलाइन ही रिजॉल्व कर रहे हैं, तो ऑनलाइन मीडिएशन ये हो रहा है अभी भी, ठीक है। सो ये पांच टाइप थी, फैसिलिटेटिव जिसमें लोगों को आपको, सॉरी, इवैल्यूएटिव जिसमें दोनों साइड्स की जो है प्लस माइनस देख के डिसीजन देना, फैसिलिटेटिव दोनों पार्टीज को सामने बैठा के उनकी बात करवाना कि आप बात कर लो। तीसरा है ट्रांसफॉर्मेटिव, जिसमें दोनों पार्टीज के साथ स्मार्ट वर्क करते हुए, स्मार्ट प्ले करते हुए उन्हीं के मुंह से उनका फैसला निकलवाना। देन मीडिएशन विद आर्बिट्रेशन की, जब मामला निकल ही नहीं रहा है, सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो आप बाइंडिंग लाइक आंसर्स देते हो, बाइंडिंग लाइक डिसीजंस देते हो। देन ऑनलाइन मीडिएशन, जिसके अंदर पार्टी कहीं, दोनों पार्टीज अलग अलग जगह पे हैं, मीडिएटर अलग जगह पे, और वो सब ऑनलाइन आके अपने केस को रिजॉल्व करते हैं। ये था आपका टाइप्स ऑफ मीडिएशन।